300 की रेंज के स्टार्टिंग है भाई। ओके गिटार लग रहे हैं, इसकी फैब्रिक चेक कर लो तुम पहले। ये देख लो भाई तुम लोग, ये 400 का पड़ जाएगा आपको, 200 का 500 का। तुम ये देख लो यार ये कितना छोटा है। तो आज ये क्या चल रहा है सबके, होपफुली आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हो सुरेश के व्लॉग्स। तो भाई लोग आज मैं आ रखा हूँ भाई अवतार म्यूजिकल शॉप में, जैसे कि आप सब मेरे पीछे देख पा रहे होंगे भाई। ये भाई मतलब एक नंबर शॉप, आज का कंटेंट जो होने वाला है भाई बहुत बढ़िया होने वाला है, म्यूजिक टवर्स के लिए होने वाला है कंटेंट, क्योंकि आज मैं लेकर आ रखा हूँ भाई सारा देखो क्लासिक म्यूजिक से रिलेटेड सारा सामान। और आज गिटार विटार सारा पूरा एक्सप्लोर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और बने रहना मेरे चैनल पे भाई। ये अवतार म्यूजिकल शॉप में मतलब जो गिटार वगैरह होते हैं ना भाई, यहाँ पे मतलब बहुत सस्ते गिटार मिलते हैं पूरी तरह में, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है यहाँ पे गिटार वगैरह की। रिव्यू चेक करो आप पहले पूरे शॉप का और फिर कमेंट सेक्शन में देना पूरा। इतनी ओके की शॉप है ना, आज अंदर चलते हैं भाई शॉप में। रम्मी भाई का नाम है, तो आज भाई से मिलते हैं बात बात करते हैं। तो ये हमारे रम्मी भाई। रम्मी भाई आपकी ये शॉप जो है कितने साल पुरानी है कम से कम? ये हमारी जो शॉप है भाई जी, ये इसको हो गए 60 साल। 60 साल अच्छा जी। और हमारे पास कैसी और यामा की दिल्ली की जो है डीलरशिप है, मतलब यामा कैसी और क्या अच्छा गिटार वगैरह है, ऑथराइज डीलर है इसके। तो आपके मतलब गिटार जो है आपके कितने से कितने रेंज तक के स्टार्ट है आपके? तो बेसिकली गिटार वो शुरू हो जाता है अपना 1500 रुपए से, जिसका जो रेंज वगैरह जो आते हैं 1500 रुपए। और उसके बाद 2000 का भी आता है, 2500 का, जैसे आप देख सकते हो ये 1500 वाले लगे, 2000 आप सारे देख सकते हैं सर। तो याला आप एक बार उतार के दिखाओगे मतलब उसकी क्या रेंज है? ये यूके ले ले भाई। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यूके ले ले। यूके ले ले गिटार का एक पार्ट ही होता है यूके ले ले। अच्छा अच्छा अच्छा। ये शुरू हो जाता है 1500 वैरायटी आती है 1500 1800, मतलब जैसे जैसे आपको वुड चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जो गिटार है उसकी वारंटी 2 साल, किसी की 1 साल, किसी की 3 साल, ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा। तो ऐसे एकॉस्टिक गिटार ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक में होते होंगे आपका? इलेक्ट्रिक भी है सर, ये इलेक्ट्रिक सर। अच्छा तो ये देखो इलेक्ट्रिक कितने रेंज के सारे शुरू होते हैं भाई जी? इंडियन मॉडल शुरू होते हैं 6500 रुपए से। इसके बाद आता है बेस, बेस के आगे लगे उधर की तरफ देखो। अच्छा छह सारे बेस लगे पड़े हैं। इनकी क्या रेंज होगी बेस वालों की? शुरू होता है 14000 से। अच्छा 14, ये सारे रॉकस्टार्स वगैरह के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग बजाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तबले इनकी स्टार्टिंग कितने से होगी? तबलों जैसे कि तबला स्टील का तबला, इसकी स्टार्टिंग होती है 4200 रुपए से। अच्छा 4200। अच्छा तो इनके मतलब क्या क्वालिटी, इसकी वेट के ऊपर होता है कितना वेट का चाहिए, तो उस हिसाब से होता है कि 4200 वाला 4500 वाला। हमारे यहाँ बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जो रिपेयर भी होते हैं, जैसे आपको हारमोनियम भी हमारे ही है। अच्छा जैसे तो भैया देख सकते हो आप अभी ये कर रहे हैं हारमोनियम रिपेयर, अगर मतलब इसमें हारमोनियम में तबले में या फिर आपके ढोलक वगैरह में गिटार विटार में सब चीजें रिपेयर होती है। तो भाई तुम ये देख लो यार ये कितना छोटा ये तबला है, इतना सही लग रहा है, ओके वाला लग रहा है एकदम तबला है। तो भाई की जो पूरी शॉप है ना भाई, वो बहुत बढ़िया शॉप है दिखने में भी, और जो सर्विसिंग है भाई की वो भी भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और सारा सामान ही भाई ओके रेटिंग पे मिल रहा है सारा। जैसे यार सारे गिटार देख लो तुम, ये सब होगा तुम्हारे 1500 की रेंज के, और ये सारे गिटार महंगे महंगे पहुँच जाते हैं सारे, ऐसे हो गए 3-4 हज़ार की रेंज के सारे पहुँच जाते हैं गिटार। और यहाँ पे सारे रिपेयरिंग का काम भी करते हैं भाई रम्मी भाई। गिटार देख लो तुम, ये सब होगा तुम्हारे 1500 की रेंज के भाई। गिटार देख लो तुम, ये 5000 की रेंज के गिटार देख सकते हो। इसकी वाली क्वालिटी कितना सही है भाई, मेरे को तो वैसे बजाना आता नहीं पर भाई बहुत ओके लग रहा है। 5000 से स्टार्टिंग है भाई पूरा, देख लो इसका फैब्रिक चेक कर लो तुम पहले तो एक बार। अंदर का मतलब कोई ऐसा लोकल मटेरियल कुछ यूज नहीं करा, सारा ओरिजिनल मटेरियल यूज करा भाई। तो भाई ये देख लो यार ये है सारे रॉकस्टार टाइप वाले जो जितने भी गिटार होते हैं जो इलेक्ट्रिक गिटार होते हैं, और इनकी स्टार्टिंग है भाई 14000 से। ये देख लो भाई तुम लोग, भाई की दुकान पे ये सब सितारे सितार वितार बोलते हैं कोई ढोलों को, लगे इतने शो पीस टाइप में भी मिल रखे हैं सारे, जितने म्यूजिशियन म्यूजिक लवर हैं यहाँ पे आके एक बार ये सब चेक कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं,
अच्छा अच्छा शहनाई 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 बोलते हैं इसको। अच्छा 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 ओ माय गॉड वो ये अच्छा जी मजाक कर रहे हैं अंकल अभी आओ असली पे। तो कितने की तक की रेंज की है अंकल ये? 1200 की। अच्छा 1200 की पड़ी है। इन्हें बोलते क्या वैसे? मराकश होता है। मराकश। अच्छा अच्छा ये म्यूजिक वगैरह उसमें काम आता है थोड़ा। ये 400 का पड़ जाएगा आपको मराकश। पता नहीं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर गिटार दिखा दोगे आपको एक अलग निकाल के जो अलग से यूनिक दिख रहा है थोड़ा हरा सा। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। कलकत्ता मेड है ये और ये आपको पड़ेगा 2200 का। भाई ओके लग रहा है पूरा गिटार तुम देख लो। शर्म करो भगवान से डरो। सर इसको ना कहोन कहते हैं। ये जैसे एक होता है एडजस्टेबल जैसे आपको इसकी स्नेयर को एडजस्ट करना होगा तो उसके लिए होता है। इसमें दो तीन वैरायटी आती है एडजस्टेबल भी है बिना एडजस्टेबल भी है। ये वाला जो ब्लैक वाला है ये एडजस्टेबल है। अच्छा इसमें आपको एलईडी ढोल मिल जाएंगे लाइट वाले। ढोल लाइट वाला के दिखाएंगे भाई। इनबिल्ट होता है अंदर सब कुछ है। ये देख सकते हो भाई अब देखो ये कैसे मतलब इसकी एलईडी जल रही है। ये स्टार्ट होता है आपका भाई जी 3000 रुपए से। इसके साइज के ऊपर है वो भी कैसे होता है। इसके बाद आपका आता है ये मंदिर की जो ये मंदिर में बजते हैं ये नगाड़ा टाइप हो गया थोड़ा। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है। अच्छा जैसे आप जाएंगे इसके अंदर 2 घंटे 2 बेल्स होती है ऑटोमेटिक। ये मंदिरों में चलती है जैसे ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा वो समझ गया। तेज साउंड के लिए ये आपका कोंगो है ये आपकी ढोलक है। ये ढोलक वगैरह क्या प्राइसिंग होगी? शुरू होती है 600 रुपए से। 600 रुपए की ये वाली है। ये 600 शुरू होती है। अब ब्रास के तबले हैं फिर इसकी ये है इसमें आप इसमें पीतल के लग रहे हैं उसमें साइज आते हैं। तो इन सब के क्या प्राइस हैं? शुरू हो जाती है 100 रुपए से। ये शुरू होता है 100 रुपए से। बांसुरियां और बड़े स्केल की महंगी होती है। फिल्टी ड्रम्स वगैरह इनके क्या प्राइसिंग होगी? ये शुरू होते हैं 2000 रुपए से साइज के ऊपर। साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ये फ्री आता है इसके साथ ही होता है ये बनाने वाला। अच्छा ये तो देखा है। इन्हें इसे कहते हैं वैसे? इसको ड्रम इसको कहते हैं बीट वाला ड्रम। अच्छा ड्रम बीट। तो भाई जो सबसे ओके और सबसे ओपी चीज लगी ना भाई वो मेरे को लगी है ढोल। इलेक्ट्रिक ढोल है भाई और इतना प्यारा लगा ना भाई ये मतलब जब बजेगा तो नेक्स्ट लेवल लगेगा भाई बजने के बाद। तो भाई ये चीज देख रहे तो अंकल ने भी रिपेयर करा था और कितना सही बज रहा है ये। तो अगर अम्मी भाई अपने गिटार बजा के दिखाएंगे तो यहाँ पे बन चुके भाई अब महफिल और कितना सही लग रहा है देखो सुनने में भी। अंबर सरिया बजा रहा है भाई। अंबर सरिया तो भाई ने यहाँ पे भाई मचा दिया तगड़ा वाला। यही कबूतर उड़ेंगे भाई गली में भाई फेरे मारेंगे इस टाइम पे हम गली में। ये आ रहा भाई ओके वाला मजा। यहाँ बन चुके भाई महफिल और भाई गाने गा के दिखा रहे हैं इतने सही सही। अरे भाई हारमोनियम बजा रहे हैं और भाई अपने गिटार बजा रहे हैं। ओए होए समाद आ गया भाई। मना करने के बाद कोल्ड ड्रिंक मंगाई ली तो भाई इस चीज को बोलते मतलब इज्जत देना मतलब आओ तो आप सोचो मतलब यार इतनी इज्जत वैसे दे रहे हैं तुम आप शॉप पे आओगे और विजिट करोगे इतने जेन्युइन बंदे ना भाई तुम खुद आके देख रहे हो प्रोडक्ट उनका वैसे ही खुद ही जेन्युइन है। तो भाई तुम बाहर से देख लो भाई की शॉप ये रही भाई की शॉप। और अगर जैसे तुम कंफ्यूज हो थोड़ा एड्रेस के लिए तो भाई यहाँ पे सबसे फेमस मंडी है दरियागंज की ये रही और यहाँ पे है ओप्पो का शोरूम और ये पूरा देखो यहाँ पे मस्जिद है सबसे ज़्यादा फेमस है दरियागंज की। यहाँ पे सारी फिश मिलती है यहाँ पे और यहाँ से सबसे नियरेस्ट है मेट्रो स्टेशन ये अपना दिल्ली गेट का और इधर से पड़ जाएगा अपना जामा मस्जिद का। तो यार आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी मेरे को जरूर बताना है एक अच्छा सा कमेंट करके नीचे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और हेल्पफुल नहीं लगी तो कोई बात नहीं यार मेरी मेहनत के लिए तो कम से कम लाइक कर देना और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि उससे क्या होगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में अपना आप मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्त यारों में जो भी म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं या म्यूजिशियन है।
तो उनको जरूर शेयर कर देना अगली वीडियो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं फ्यूचर में लाता रहूंगा। और कमेंट करके अपना बता देना कि किस टॉपिक में तुम्हारे लिए मैं वीडियो बना सकता हूं, तो कमेंट करके ये भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखना ना भूले शिवेश के ब्लॉग। टिल देन स्टे स्ट्रांग एंड लव यू ऑल।